जागेगा। कपूर शर्मा जैसा व्यक्ति बोल दे तो उनके सर को कलम करने की, एक एक करोड़ दो दो करोड़ रुपए उनके सर कलम करने के लिए धमकी दी जा रही है। यूपी के प्रयागराज के अटाला में जुमे की नमाज के बाद भाजपा के पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग करते हुए भारी पथराव और आगजनी की गई थी। देश के कई शहरों में उपद्रव भी हुआ, लेकिन अब कई संगठन नुपुर शर्मा के समर्थन में सड़क पर उतरे हैं। प्रयागराज में आज विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन किया। नुपुर शर्मा के समर्थन में राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन देकर उपद्रवियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की गई है। विहिप के प्रांत कार्य समिति सदस्य विनोद अग्रवाल ने कहा कि नुपुर शर्मा ने गलत बयान नहीं दिया है, उन्होंने जो भी कहा है वो मुस्लिम धर्म ग्रंथ कुरान में लिखा हुआ है, उसी का हवाला देकर नुपुर शर्मा ने अपनी बातें कही हैं। देश भर में विरोध के नाम पर अराजकता के पीछे बड़ी साजिश है, इसके तहत देश को बदनाम किया जा रहा है, ऐसे में उपद्रवियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। शर्मा ने जो बयान दिया, सर्वप्रथम मैं उसका समर्थन करता हूँ। नुपुर शर्मा ने जो भी कहा कहीं से गलत नहीं कहा। आप इनके जो है मौलवियों से डिबेट कर लीजिए, मौलवी भी उस बात को जो है काट नहीं पाए। इसमें सर कलम करने की कुरान हदीस में सब जगह लिखा हुआ, बिल्कुल शाश्वत है, और गूगल में गूगल करके देख लीजिए, सब जगह ये मिलेगा। तो ज़बरदस्ती के लिए ये जो है इनका मुद्दा जो है नुपुर शर्मा नहीं है, इसके बहाने 370 का जो विरोध नहीं कर पाए, NRC का विरोध नहीं कर पाए, अभी जनसंख्या कानून आ रहा है उसका विरोध नहीं कर पा रहे हैं, उसी की आड़ में जो है ये नुपुर शर्मा का विरोध कर रहे हैं। इसको खाली एक मोहरा बनाया गया है, और जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में इन्होंने पूरा उत्पात मचाया था, वही उत्पात पूरे देश में मचाना चाहते हैं। शासन प्रशासन हमारा पूरा सक्षम है, और इनको जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में पूरा कुचल दिया गया, उसी प्रकार से इन घटनाओं को कुचल दिया जाएगा। हमारे मंदिर से प्रेम का संदेश दिया जाता है और भंडारा किया जाता है, लेकिन इनके यहाँ से मस्जिदों में आपको सारे असलाह मिलेंगे, इसकी जांच कराई जाए। मेरा तो पूरे प्रशासन से अनुरोध है, जितनी भी मस्जिदें हैं सबकी जांच कराई जाए, सब में आपको पत्थर और असलहे मिलेंगे। और जितनी भी अवैध मस्जिदें हैं, जो बुलडोजर से आपने जावेद पम का मकान तोड़ा, उसी प्रकार जितनी भी मस्जिदें हैं सबकी जाँच कराई जाए। अगर वो अवैध हैं निश्चित रूप से उनके ऊपर ही बुलडोजर चलाया जाए, ताकि ये अपने आप शांत हो जाएंगे। विनोद अग्रवाल। इस्लामिक कट्टरवादता के चलते जो जेहादियों द्वारा रामनवमी के जलूस पर, हनुमत जन्मोत्सव के जलूस पर पत्थरबाजी की जा रही है, गोलीबारी की जा रही है, शुक्रवार को मस्जिदों से निकलकर जो पत्थरबाजी की जा रही है, हिंदू घरों को जलाए जा रहे हैं, हिंदू दुकानों को लूटी जा रही है, प्रशासनिक अधिकारियों के ऊपर हमले किए जा रहे हैं, अगर कोई सही बात जैसे नुपुर शर्मा जैसा व्यक्ति बोल दे तो उनके सर को कलम करने की, एक एक करोड़ दो दो करोड़ रुपए उनके सर कलम करने के लिए धमकी दी जा रही है। आज इसी के चलते बजरंग दल के द्वारा ये संपूर्ण भारतवर्ष के अंदर जिलाधिकारी के माध्यम से हम सब लोग राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन देने के लिए यहाँ एकत्र हुए थे कि इस देश के अंदर अब जो ये कट्टरवादी, जो ये जेहादी हैं, जो हिंदू धर्म स्थलों पर हमले कर रहे हैं, हिंदू समाज पर हमले कर रहे हैं, प्रशासनिक अधिकारियों पर हमले कर रहे हैं, ये हमले बंद होने चाहिए। हिंदू मंदिरों से प्रसाद लेकर बाहर निकलता है और प्रसाद वितरित करता है, ये मस्जिदों के अंदर से छोटे छोटे नौनिहालों के हाथ में इतने बड़े पत्थर देकर के इस समाज के ऊपर जो हमला कराने का काम कर रहे हैं, दुकानों को लूटने का काम कर रहे हैं, प्रशासनिक अधिकारियों के ऊपर हमला देने का कार्य कर रहे हैं, ये बंद होना चाहिए। आज इसी उद्देश्य से हम सब लोग एकत्र हुए हैं। अगर ये हमले बंद ना हुए, हमारे धार्मिक स्थलों को छेड़ा गया, हमारे धार्मिक त्योहारों पर हमला किया गया, मस्जिदों से निकलकर हमला किया गया, तो उसका परिणाम भयंकर होगा। अब ये हिंदू समाज शांति से बैठने वाला नहीं है, हिंदू समाज भी प्रतिकार करने की शक्ति रखता है, और इसी प्रकार से अगर घटनाएं होती रही, बंद ना हुई, तो हिंदू समाज भी मजबूर होकर सड़कों पर उतरेगा, उसकी सारी जिम्मेदारी इन जिहादियों की होगी। लालमर तिवारी, प्रांत मंत्री, विश्वहिंदू परिषद, गौरक्षा, काशी प्रांत। ये नुपुर शर्मा जी ने जो बोला है उसका पहले हम सब लोग समर्थन करते हैं, और हम लोग यही चाहते हैं कि जो अपना हिंदुत्व तो वो एक हो, वो कब जागेगा, जब वो आज अगर हम हिंदू एक होते तो आज इससे बड़ी संख्या यहाँ पर होती। और मैं इस चीज़ को मानती हूँ कि अगर बड़ी संख्या जिस दिन एक एक हिंदू जग जाएगा, उस दिन इस मुस्लिमों को कोई नहीं कह सकता कि ये हिंदू के प्रति खड़े हो सकते हैं, उनके विरोध में खड़े हो सकते हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि हिंदुओं को अब जागने की आवश्यकता, और हिंदू जागेगा तो पूरा देश अपने आप सुरक्षित। नाम बता दीजिए। आभा तिवारी।
इस चैनल को देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।